बिसम रहीम वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स इन द रिस्क मैनेजमेंट हम स्टार्ट किया हुआ है हमने फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड्स को हमने बात की थी द एनी कॉन्ट्रैक्ट विच रिलेट टू फ्यूचर जिसमें हम टाइम टू कम उसमें कॉन्ट्रैक्ट करें फॉरवर्ड में एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है स्टैंडर्डाइज बाई मीन इट्स मोर फेमस इट्स नॉट रेगुलरली स्टैंडर्डाइज बट इट्स मोर फ्रीक्वेंटली दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स इसको हम फ्रा भी कहते हैं फॉरडर्ड एग्रीमेंट भी नॉर्मली यूज़ किया जाता है कि पहले मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताऊं कि हमें इशू क्या आता है फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मुझे तीन महीने बाद एक लोन लेना है तो एज ऑफ टुडे वी आर नॉट नीड ऑफ द मनी बट वी विल बी नीडिंग मनी इन थ्री मंथ्स टाइम अब रिस्क क्या है कि आफ्टर थ्री मंथ्स रेट बहुत ज़्यादा वेरी ना कर जाए तो so, उसको कैप्चर करने के लिए जो हमारे पास डेरेवेटिव है दैट इज फ्रॉड पॉवर्ड रेट एग्रीमेंट इज अ कैश सेटल

बट विदाउट द एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल इसमें एक्चुअल एक किस्म एक का लोन ही आप ले रहे हैं लेकिन आप ले रहे हैं एक फ्यूचर डेट में जाके कि तीन महीने बाद छः महीने बाद आपने ये लोन लेना है तो अब उसको हम अभी लॉक इन करें और नोशनल इसलिए कि जितनी अमाउंट आपकी है सपोज आपने वन मिलियन डॉलर का लेना है तो हम वन मिलियन डॉलर के फ्रा में ही आ, एक्टिव हो जाएंगे अगर फाइव मिलियन का है तो विल गो फॉर द फाइव मिलियन मार्केट पार्टिसिपेंट टू ट्रेड टू डे एट इंटरेस्ट रेट अदरवाइज उस समय रिस्क क्या है फ्लक्चुएट बैडली और हमें बहुत एडवर्सली हिट कर सकते हैं तो हम उसको हैज करने के लिए ये फ्राग एंगेजमेंट में एंटर हो रहे हैं कंक्रीटली बायर ऑफ द फ्रागू लॉक्स इन द बोरिंग रेट विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट राइज इन द इंटरस्ट रेट एंड सेलर हु अपटेन फिक्स लैंडिंग विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉल इंटरेस्ट अब जो एक बंदा बाय कर रहा है एक बंदा सेल कर रहा है बायर का रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए और सेलर का यह क्या है कि इंटरेस्ट रेट कहीं बहुत ज़्यादा फॉल ना हो जाए तो वो उसके लिए भी ट्रांजेक्शन लॉक करनी इंपॉर्टेंट है सो द बोथ पार्टीज आर हैविंग इंटेंशन टू लॉक इन द रेट द लाइफ ऑफ रंपोज ऑफ टू पीरियड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें दो पीरियड हैं जिसमें हम इन्वॉल्व करेंगे

जा सकते हैं कि एक साल बाद मुझे लोन लेना है उसको भी आप फ्रा के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं ये अगर आप एक डायग्राम देखें तो यू कैन सी कि टी प्लस टू बेसिकली ट्रांजेक्शन डेट के साथ होता है एक आपकी ट्रेड डेट है जो कि स्पॉट डेट के साथ लिंक हो गई एंड देन इट इज सेटलमेंट डेट सेटलमेंट डेट इज द डेट जो कि हम इसको सेटलमेंट इसलिए कह रहे हैं कि तीन मई अगर जब हम बात अभी जो कर रहे थे नाइन मंथ्स वाले की तो तीन महीने बाद हमें पता लग जाएगा कि रेट क्या है अगले छः महीने के लिए तो राधर देन वेटिंग फॉर द होल लॉन्ग पीरियड जो कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बेस पे जो सेटलमेंट है वो इसी रेट पे हो जाती है वेटिंग पीरियड जैसे ही एंड होता है मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वहीं पे सेटलमेंट हो जाती है वैसे इट रिलेट टू द नेक्स्ट पीरियड तो एक वेटिंग पीरियड आ गया एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आ गया फ्रा हाउवर एफेक्टिवली एंड विथ सेटलमेंट डेट एज दे इज नो लॉन्गर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट बिटवीन द टू जो वो सेटलमेंट डेट पर आ गया मामला क्लियर हो गया पता लग गया इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं या कम हुए हैं जो भी सेटलमेंट होनी है उस सेटलमेंट डेट पर ही होगी बट इट विल कवर द पीरियड ऑफ द लोन कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट अमाउंट एंड फ्रा इसमें ये किस तरह होगी ये हमें इस पर थोड़ा टाइम भी लगाएंगे बिट वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये सेविंग हमें करेगा या हमें जो भी लॉस होगा वील हैव टू लुक इन टू दैट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन बिटवीन फ्रॉ रेट एट द एंड द सेटलमेंट रेट बेसिकली आपने किस रेट पर लॉक किया है और उस वक्त रेट क्या है उससे आपकी सेटलमेंट रेट के साथ गेन होगा फॉर एग्जाम्पल आपने लॉक कर लिया सिक्स परसेंट पे और उस वक्त रेट बढ़ गया या कम हो गया तो आपकी सेटलमेंट कैसे होगी आप मार्केट से करंट रेट पे वॉर करेंगे और प्रा की सेटलमेंट आपको उस पर नेट इफेक्टिव रेट पे ले आएगी इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो इंटरेस्ट डिफरेंस इज सेटलमेंट रेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेट इन टू डेज एंड द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी ये इसलिए हम कर रहे हैं थ्री सिक्सटी से टाइम प्रोपोर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेटलमेंट तो फुल पीरियड से पहले हो रही है इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू लाना जरूरी है और नोशनल अमाउंट से आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट अमाउंटमेंट अमाउंट इज पेड अप फ्रंट क्योंकि हमने कहा है कि तीन महीने बाद हमने छ महीने का लोन लेना था तो वो छः महीने पूरा वेट नहीं करेंगे हम हम तीन महीने बाद ही उसको सेटल करके क्लोज कर लेंगे टू काउंट फॉर दिस इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल नीड टू बी डिस्काउंटेड तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट आपने निकाला है अभी उसकी फिर आप प्रजेंट वैल्यू ले लेंगे एंड दैट विल बी पेड इन सेटलमेंट तो सेटलमेंट कैसे हुई इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल डिवाइड बाई वन प्लस द सेटलमेंट रेट इन टू डेज इन द कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी यानी कि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे वो आपकी सेटलमेंट होगी इफ सेटमेंट रेट इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट देन इट फ्रा सेलर हुट्स जो है वो भर गए हैं तो जो आपका बायर है उसको एडवांटेज हो जाएगा इफ कॉन्ट्रैक्ट रेट इज हायर देन सेटलमेंट रेट देन इट इज द फ्रा बायर फिर उसको पे करना पड़ेगा उसको मार्केट जो है डिफरेंट हो जाएगा एंड पे द ये आप डायग्राम देखें तो कैलकुलेशन आप यहां से नजर आ सकते